हो कितना बड़ा गार्डन है यार, लिटरली बहुत बड़ा गार्डन है। खेलना है अभी? चलो खेलो। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आज देख रहा हूँ मॉर्निंग एनर्जी कितना है, भरी पड़ी है। लेकिन एक तो दिक्कत हो गया यार, यूजली मैं जो सोता हूँ रात को 2 बजे सोता हूँ, 2:30 बजे सोता हूँ, क्योंकि काम ही अपना ऐसा होता है यार, वीडियो रात को एडिट करो, अपलोड करो, ये सब करने के बाद रात को मैं सोया हूँ 2 बजे और सुबह उठ गया हूँ 5 बजे, क्योंकि मुझे जाना है कहीं और वहाँ थोड़ी देर बाद आपको रिवील करूँगा कहाँ जाना है। तो गाइज मॉर्निंग में निकल चुके हैं, एक्चुअली गाइज मैं माना आया था यहाँ, एक दोस्त है मेरा, उसका एसआई का पोस्ट निकला हुआ था, एसआई का पोस्ट और टेस्ट देने के पीछे देखो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है परीक्षार्थी जो है आए हुए हैं, और यहाँ एक्चुअली वीडियो कैमरा अलाउड होता है नहीं, तो मैं थोड़ा सब लोगों को मना कैम दिखा दे रहा हूँ जितना दिख पा रहा है। और लाइन देखो भाई साहब, सुबह सुबह कितने सारे बंदे जो एसआई में भर्ती होना चाहते हैं आ चुके हैं। तो यहाँ जितने बंदे आए हुए हैं ना, मेरा दोस्त भी मतलब गया है, तो मान लो कि आप 1 बजे से पहले वो बाहर निकलेगा नहीं, तो 1 बजे तक मेरे पास टाइम है, तब तक मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के या तो एयरपोर्ट आप लोग घुमा दो, वैसे ब्लॉग तो बना चुका हूँ एयरपोर्ट का, या यहाँ का एक और गार्डन मुझे मिला है, देखता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ से निकलता हूँ और वहाँ जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि 2-3 घंटा यहाँ फालतू वेट करना अच्छी बात तो है नहीं, बोर हो जाऊँगा ना, इसलिए सोचा कि ब्लॉग भी बना लूँगा और आप लोगों को माना के बारे में और कुछ एडिशनल चीज़ें होगी वो भी दिखा दूँगा। चलो कैमरा बंद करते हैं, सामने अंकल लोग खड़े हैं। तो ये देख लो गाइस, यही है पूरा माना, यहीं से स्टार्टिंग था। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया अंदर, क्योंकि पुलिस वाले लोग थे तो फालतू लफड़ा होता, उससे अच्छा है कि हल्का सब लोगों को दिखाया जो रिक्रूटमेंट चल रहा है एसआई का। और बाकी देखो ये चौक है माना, मेन चौक, यहाँ से माना कैंप जो पीछे देखो ना, पीछे से स्टार्ट हो जाता है। तो अपन चलते हैं यार सुबह सुबह, देखो ब्रेकफास्ट कहाँ करेंगे, कहाँ रुकेंगे कोई आइडिया है नहीं, देखता हूँ जो भी बढ़िया प्लेस यहाँ से मिलेगा वहाँ अपन चले जाएंगे। एंड गाइज मॉर्निंग की फीलिंग रायपुर के एयरपोर्ट पे, जस्ट वाओ। वाओ क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज पीछे देखो यार, और आप लोगों को ग्रीनरी देखना है ना तो एक बार नया रायपुर निकल जाओ, आप लोगों को मतलब दिल खुश हो जाएगा ग्रीनरी देखकर। एंड यहाँ का व्यू देखो भाईजान, क्या बढ़िया फवारा गिर रहा है ना, पूरा ग्रीनरी, और यहाँ से अपना रायपुर का जो एयरपोर्ट है वो स्टार्ट होता है, पूरा गाड़ियाँ जा रहा है, इसमें कैब का भी गाड़ी है, पर्सनल गाड़ियाँ भी है, जो लोग एयरपोर्ट आ रहे हैं जाने के लिए, अपने किसी प्रिय को छोड़ने के लिए, कोई लोग पिकअप करने के लिए आ रहे होंगे। और देखो गाइस ये है पूरा आपका एयरपोर्ट का एंट्री रोड का सीन, ये मेरे को काफ़ी प्यारा लगा यार, मॉर्निंग में मस्त यहाँ। और कई लोग पता है घूमने के लिए आते हैं, सिर्फ एयरपोर्ट पे घूमने के लिए, बैठने के लिए भी गार्डन की सुविधा है ना, गार्डन भी यहाँ बहुत बड़ा है, बढ़िया यार यहाँ। मैं भी, लेकिन धूप धीरे धीरे बढ़ेगा, अच्छी बात यह कि मैं ज़्यादा मॉर्निंग में आया हूँ तो मैं थोड़ा सा घूम सकता हूँ, धूप में ज़्यादा धूप अभी तीखा नहीं लग रहा है। आप लोग व्यू देखो यार, कमेंट करो कैसा लगा रायपुर शहर का, नया रायपुर शहर का एयरपोर्ट, लग रहा पानी का फवारा क्या बढ़िया गिर रहा है ना। तो गाइज मैं आ गया हूँ रायपुर एयरपोर्ट के एकदम करीब, यानी कि नज़दीक वाले एक गार्डन में, और ये देखो कितना बड़ा गार्डन है यार, लिटरली बहुत बड़ा गार्डन है। और मॉर्निंग का समय है तो गार्डन में कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा, जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना कहीं ना कहीं ट्रेवल करने वाले हैं वहीं आपको दिखेंगे। एंड देखो मस्त हवा चल रहा है मॉर्निंग में, और ये पूरा आपका गार्डन है, और यही नहीं है ये तो मतलब सबसे बड़ा वाला गार्डन हो गया, इसके बाजू में जाओगे ना तो और गार्डन है, वहाँ भी आप लोग को लेके चलूँगा, पहले थोड़ा सा आप लोग को ये पूरा घुमा दूँ। इसके पहले जब मैं आया था तो ये नहीं बना था, आज़ादी का अमृत महोत्सव, वाह जस्ट वाह यार, देख रहे हो कितना बढ़िया दिख रहा है ना, ऐसे लिखा है सीमेंट से लिखा हुआ है, और ये देखने में ऐसा लग रहा है कि फॉर्म है वाइट वाला, लेकिन ये भी सीमेंट है, इसलिए मैं इसको टच कर रहा था। चलो यहाँ एक आध फोटो क्लिक हो जाए, और फोटो क्लिक के नाम से है, अगर मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो करते तो फिर क्या कर रहे हैं यार, जाओ इंस्टा पे जाओ, मुझे फॉलो करो, वहाँ बहुत सारे अपडेट, बहुत सारे नहीं, जहाँ भी जाता हूँ घूमने जाता हूँ अपडेट आप लोगों को मिल जाती है, वहाँ से भी आप लोग कोई भी क्वेरी करना चाहते हो यूट्यूब के बारे में या जो भी, तो आप लोग इंस्टा पे DM कर सकते हो। और यहाँ लगता है हमारा प्यारा सा झंडा। तो अभी अपन आ गए हैं दूसरे छोर पर इस गार्डन के, यहाँ पता नहीं कुछ बनेगा, गड्ढा तो है वैसे बहुत बड़ा सा, ग्राउंड मारेंगे ना तो दोनों जो गार्डन है वो कवर हो जाएगा, राइट वाला भी एंड लेफ्ट वाला भी, ये बेसिकली लेफ्ट वाला गार्डन है। और ये भी दिखाऊं तो ठीक है बढ़िया है, लेकिन यहाँ के ग्रास पता नहीं, जो नीचे देख रहे हो ना ये पता नहीं धूप से सूखे टाइप हो गया, पानी कम मिलता है क्या, मे भी
पानी की कमी की वजह से, लेकिन गार्डन यार खूबसूरत है, क्लीन है। मुझे अभी तक ज़्यादा मतलब यहाँ कचरा टाइप रैपर होता है ना, प्लास्टिक हो गया, रैपर हो गया, वाटर बॉटल, ऐसा कुछ नहीं फेंकाया हुआ मिला है, सब मतलब क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। लगे छोटे भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। कब आते क्रिकेट खेलने के लिए? सुबह सुबह 6:30 हो गया आज का मैच, क्यों खेलना है अभी? खेलना है अभी, चलो खेलो। पता है छोटा भाई क्या बोल रहा है? उधर एक कपल बैठे हुए थे तो छोटा भाई बोलता है कि भैया उन लोगों का फोटो लो। अब ठीक है यार, गार्डन है तो लोग तो आएंगे ही ना, कपल हो, फ्रेंड्स हो, आते हैं। और गार्डन देखकर बहुत बड़ा है, चलो अपन भी क्रिकेट खेलते हैं छोटे भाई लोगों के साथ। भाई लोग दोनों दोनों पता है मज़े ले रहे हैं, देखो ये दोनों उन लोगों को देख के और मज़े ले रहे हैं। दोनों कम नहीं है। चलो भाई, तो भाई लोग रेडी हो गए हैं, अपन बैठ के और क्रिकेट खेलते हैं। ये लो तुम पकड़ो इसको, शूट करना, खेलता हूँ। चलो एक ओवर खेलेंगे, ठीक है? आ रहा है वीडियो में, आ रहा है गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना क्रिकेट अच्छा लगता है कि नहीं। चलो फेंको, बढ़िया ना, ऐसे बोल आते हो ना तो मजा, क्रिकेट भी खेल सकते हैं भाई लोग के साथ। भाई लोग ज्यादा ही मजे ले रहे थे। और नहीं खेलने, बस नहीं आते हैं। और आते हैं? अभी पानी नहीं है। उल्टा क्यों दे रहे, टप्पा में देना है? बीट कराओ, बीट। और अपनी आई बॉलिंग की बारी, आप बैटिंग करोगे? चलो आप बैटिंग करो। नहीं नहीं, बॉल मत मारो, खेलना है। मजे मत ले। तबे तबे पॉप में मारूंगा तेरे को। फाइनली गाइज, मैं आप लोग के लिए अभी करीब आ चुका हूँ। आज अभी एयरपोर्ट का ब्लॉग बना ही रहा हूँ और करीब का ना दिखाऊँ तो मज़ा नहीं आएगा ना, इसलिए मैं आ गया हूँ करीब। पीछे देखो, पीछे भी एक अच्छा खासा बनाया गया है, देखने में अच्छा लगता है। उस पर चढ़ के अभी एयरपोर्ट को देखोगे ना तो काफ़ी प्यारा दिखेगा। और ये जो ऊपर का जो देख रहे हो रेलिंग, इसके ऊपर अभी सीट लगाया जाएगा, क्योंकि बिना सीट के तो पूरा अंदर धूप ही लग रहा है। तो ये काम होने के बाद एयरपोर्ट की खूबसूरती जो है और बढ़ जाएगी। आप लोग को दिखाता हूँ, इधर वैसा लग चुका है। ये देखो, ये शेल्टर लगा है ना ऊपर, ऐसा ही पूरा इधर लगने वाला है। पिछले बार जब मैं आया था तो ये सब उतना नहीं लगा था, बस सिंपल था, लेकिन इस बार सही है यार। अब यहाँ छाव में मज़ा आ रहा है, ये अच्छा कर दिया ऊपर लाकर, ठंडा ठंडा लग रहा है। धूप में भी कभी आओगे ना तो नीचे मस्त बैठ सकते हो। तो गाइस, जब मैं बिल्कुल करीब आ गया हूँ एयरपोर्ट के, तो पीछे देखो यहीं से एंट्री होता है, एंट्री होता है और टिकट विकट का जो भी है सब यहीं से होता है। आई होप कि कोई आके ये ना बोले कि वीडियो कैसे शूट कर रहे हो, इसलिए हल्का सा आपको वॉक करते हुए दिखा दे रहा हूँ। काफ़ी प्यारा दिख रहा है, काफ़ी क्लीन है। अब चलो यहाँ से निकल जाते हैं, वरना पता नहीं कोई आके बोलेगा फुटेज डिलीट करो तो महंगा पड़ जाएगा, इसलिए अपन गार्डन में वॉक करते हुए आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखो जो रायपुर की एयरपोर्ट है, तो कुछ ऐसा गाइज आप लोगों को नज़र आने वाला है। भाईजान, बात ऐसा है कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद मैं सीधी तरफ आ गया था, 36 मॉल गया था कुछ काम से। और आप लोगों को बता दूं, रायपुर शहर में कभी घूमने आते हो ना तो 36 मॉल और रायपुर शहर का मेट्रो मॉल, दोनों के दोनों सामने ही है। जो पीछे देख रहे हो ये है का 36 मॉल, और इसके बाजू में देखोगे ना यहाँ, तो यहाँ आपका मेट्रो मॉल, दोनों के आजू बाजू है। और मेरे को यहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ऑटो के लिए। चलो, तो गाइस बहुत दिनों बाद ऑटो की सवारी, ये भी अच्छा लगता है। सो गाइस, आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग जो है ना अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग को मैंने रखा था डेली रूटीन टाइप का ब्लॉग, और धीरे धीरे इसमें कंफर्टेबल होना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरे डेली रूटीन का ब्लॉग ये कैसा लगा। एयरपोर्ट गया, वहाँ घुमाया, क्रिकेट खेला, मज़ा आया, फन हुआ। सैटरडे का वैसे भी दिन था तो वसूल हो गया अच्छे तरीके से। अब आप लोगों से फाइनली मैं मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। एक कॉमेंट करके जरूर जाना।